अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब? और मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मरीना की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। और आज की ब्लॉग में मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ मरियम परवेज का प्रोटीन मास्क, हेयर प्रोटीन मास्क। उसका रिव्यू मैंने उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इस्तेमाल किया, और जितनी बार मैंने इसे इस्तेमाल किया ना, मुझे अच्छे से अच्छा रिजल्ट नजर आया। मतलब कि यार, ये मास्क अमेजिंग मास्क है। और इसको बाल, आप मेरे बाल देख सकते हैं, ये देखें। मतलब कि अभी मैंने लगाने से, अभी मैंने 5 मिनट में मैंने बालों को अच्छी तरह वॉश किया है और फिर मैंने इसे ड्राई किया। मास्क लगाया हुआ था मैंने, मैंने हर तीन तीन दिन बाद जो है ना, मैंने इसे इस्तेमाल किया और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नज़र आया। तो मैं सोच रही थी कि मैं इस पर क्यों ना एक पूरा व्लॉग बनाऊँ, जो कि 3-4 लोग 5-6 लोग मुझे देखते हैं, उनको भी फ़ायदा हो और उनके भी बाल अच्छे हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो इस मास्क से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है जी, तो वीडियो पूरी देखें। अच्छा, मेरे पास होना चाहिए मक्खन। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स में, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना मक्खन लिया है, और उसके बाद मेरे पास होना चाहिए 1/2 लेमन। ठीक है, अब यहाँ पे है 3 टेबलस्पून मिल्क, फ्रेश मिल्क, और यहाँ पर जो है ना दही 3 टेबलस्पून। मेरे पास है ये वाला कंडीशनर, मेरा वाला, और बाकी जो डिटेल्स है आप वो मरियम परवेज के चैनल पे जाकर उसकी वीडियो देख कर ले सकते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि आपने पूरी वीडियो देख ली है, मतलब कैसे मैंने बनाया। अगर आप इसकी ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मरियम परवेज का चैनल नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे जाएं, उनके चैनल को, उनके चैनल पे विजिट करें। बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ हैं उनके पास और उनकी हर एक रेमेडीज़ कमाल की है। तो वहाँ पे जाएं, उनकी वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, और आप भी जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है ना इस मास्क से, तो वैसे आप भी ये फ़ायदा उठाएं। ठीक है, बहुत अच्छा मास्क है। और रिव्यू मैं एक रिव्यू वीडियो ये बन गई है एक किस्म की, और बहुत ज्यादा अच्छा मास्क है। सीरियसली, मुझे क्योंकि मुझे फायदा हुआ है इसलिए मैं कह रही हूँ, वरना मुझे क्या है। लेकिन अच्छा मास्क है, तो कुछ भी ज्यादा नहीं है। मैंने इसे अप्लाई किया है, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सारी डिटेल उनकी वीडियो पे आप जाके देख सकती हैं। और मैंने इसे 45 मिनट्स तक जो है ना अपने बालों में लगा के छोड़ दिया था, कवर कर लिया था अच्छी तरह हेड को, फिर उसके बाद नॉर्मल जो शैम्पू से और कंडीशनर से साफ करते हैं उस तरह। ठीक है जी, तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो अगर आज की वीडियो, आज का ये रिव्यू व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे अपनी दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।